इधर श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब की आवाज की जांच की जाएगी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफताब के वॉइस सैंपल लेने की इजाजत मांगने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका मंजूर कर ली और ये आदेश भी दिया कि आरोपी को आवाज का नमूना देने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 26 दिसंबर को सुबह 10 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर्स पर वॉइस सैंपल लिया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन यानी 6 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। उधर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक आत्मघाती हमले से दहल गई। वहां ऐसा हमला करीब 10 साल के बाद हुआ। इस आतंकी हमले में पुलिस के एक जवान की मौत हो गई जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। कार में हुए जबरदस्त धमाके की वजह से पूरा इलाका थर्रा गया। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें कार आग की भयानक लपटों में घिरी दिखाई दी। ये आतंकी हमला तब हुआ जब शहर के एक इलाके में पुलिस ने एक संदिग्ध कार को जांच के लिए रोका और उसमें सवार दोनों लोगों को गाड़ी से बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने तलाशी शुरू की बाहर खड़ा हमलावर तेजी से कार में घुसा और उसने खुद को उड़ा दिया। इस घटना के थोड़ी देर बाद आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी ली। TTP वही संगठन है जिसने 2014 में पेशावर के एक आर्मी स्कूल को निशाना बनाया था। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मजाक उड़ाते हुए उसे कबाड़ बता दिया। एक दिन पहले ही व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से मुलाकात के बाद बाइडेन ने यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम से लैस करने का ऐलान किया था जिसे वो अपना सबसे आधुनिक और घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बताता है। अमेरिका पेट्रियट सिस्टम की तारीफ करते नहीं थकता लेकिन उसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का रूसी राष्ट्रपति ने जमकर मजाक उड़ाया। मिसाइलों का काल कहे जाने वाले पेट्रियट को पुतिन ने कबाड़ बता दिया। उन्होंने खुली चेतावनी दी कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की जमीन पर उतरा तो उसे तबाह होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पुतिन ने मॉस्को में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा भी किया कि पेट्रियट सिस्टम के जंग में उतरने का रूसी सेना पर कोई असर नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका पर भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। पुतिन ने साफ कहा कि अमेरिका यूक्रेन के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चला रहा पर बंदूक चला रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन के पीछे छिपकर अमेरिका रूस से जंग लड़ रहा है और इसी वजह से वो एक ऐसा हथियार यूक्रेन को देने पर राजी हो गया जिससे जंग ज्यादा भड़क जाएगी क्योंकि पेट्रियट सिस्टम लंबी दूरी तक वार करने वाला हथियार है। यही वजह बताकर अमेरिका भी लंबे वक्त तक इसे यूक्रेन भेजने से कतराता रहा लेकिन जेलेंस्की के बार बार गुहार लगाने के बाद अमेरिका ने पेट्रियट सिस्टम को यूक्रेन भेजने के लिए हामी भर दी। बस इसी बात से पुतिन बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने ये आरोप भी लगा दिया कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये जंग बातचीत से खत्म हो जाए। इधर दिल्ली के नगर निगम MCD में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। मेयर के लिए शैली ओबेरॉय जबकि डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल उम्मीदवार होंगे जबकि स्थायी समिति में आमिल मलिक, रविंद्र कौर, मोहिनी जीनवाल और सारिका चौधरी होंगी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक मेयर और डिप्टी मेयर 3 महीने जबकि स्थायी समिति के सदस्य 1 साल के लिए होंगे। डिप्टी मेयर उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल चांदनी महल वार्ड जबकि मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय पटेल नगर वार्ड से पार्षद चुनी गई है।